नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फीडर के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पाठ्य चर्चा ट्राई स्क्वायर पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए चलते हैं स्लाइड पर। आज मैं सबसे पहले आज ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका पहले सर्वप्रथम परिचय, जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक ट्राई स्क्वायर है। ट्राई का मतलब प्रयत्न करना, स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री, इसलिए दोनों को जोड़ा गया ट्राई प्लस स्क्वायर, तो 90 डिग्री प्रयत्न करना, यानी ट्राई स्क्वायर का नाम दिया गया। तो चलते हैं परिचय देखते हैं। ट्राई स्क्वायर जॉब को 90 डिग्री में बनाने का प्रयत्न करता है, जिसकी सहायता से हम समकोण की परख करते हैं। एक फीटर आमतौर पर कार्य करते समय प्रयोग करता है, इसलिए इसे ट्राई स्क्वायर कहते हैं। यदि हमारे जॉब को फ्लैटनेस तथा स्क्वायरनेस नहीं है तो हम जॉब को नहीं बना सकते। चलते हैं अगले स्लाइड पर। ट्राई स्क्वायर का डिफिनेशन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर इज ए टूल ऑफ चेकिंग द 90 डिग्री फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस। ट्राई स्क्वायर इज ए एंगुलर मेजरिंग टूल्स। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ट्राई स्क्वायर का मटेरियल यानी ट्राई स्क्वायर की धातु का बना होता है। ट्राई स्क्वायर ब्लेड इज ए मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड स्टैक इज ए मेड ऑफ कास्ट आयरन। यानी ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और जो इसका स्टॉक होता है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बना होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर में कितने भाग होते हैं। तो ट्राई स्क्वायर के भाग, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसा कि इसमें एक ब्लेड बना होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लेड, और दूसरा है स्टॉक, और तीसरा होता है जो ब्लेड और स्टॉक के बीच में सटा हुआ जो स्लॉट कटा है उसको बर स्लॉट बोलते हैं, वो भी उसका भाग है। तो इसके तीन भाग हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखते हैं नंबर एक ब्लेड। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का प्रयोग
फ्लैटनेस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, स्टाफ। ट्राई स्क्वायर में स्टाफ का प्रयोग ब्लेड को बांधने के काम में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बर स्लॉट। ट्राई स्क्वायर में जाब के ऊपर ट्राई स्क्वायर में स्टाफ के ऊपर ब्लेड से सटा हुआ यह खांचा कटा होता है। जब कोई जाब ट्राई स्क्वायर से चेक किया जाता है तो जाब पर आए हुए छोटे छोटे कणों को अंदर रख लेता है ताकि जो हमारा जाब है सही सही चेक हो सके। अगर यही बर्थ स्लॉट नहीं बनता, नहीं बनाया जाता, खांचा नहीं काटा जाता, वहां पर बुरादे जो है छोटे छोटे जो कण है इकट्ठा होते और हमारा जो जाब है वो सही तरीके से 90 डिग्री नहीं बन पाता, इसलिए बर्थ स्लॉट काटा जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर के कितने प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर के प्रकार, तो ट्राई स्क्वायर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फिक्स ट्राई स्क्वायर या वर्कशॉप ट्राई स्क्वायर। नंबर दो, इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर। उसके बाद आता है नंबर तीन, मास्टर ट्राई स्क्वायर। तो ये तीन प्रकार के ट्राई स्क्वायर हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो नंबर एक, फिक्स ट्राई स्क्वायर। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको वर्कशॉप ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो फिक्स ट्राई स्क्वायर का बेस तथा ब्लेड दोनों के धातु अलग अलग होते हैं। इसका ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील का तथा स्टाक कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में कारीगर द्वारा 90 डिग्री फ्लैटनेस तथा स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। यानी इसका प्रयोग 90 डिग्री फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए कारीगर करता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नंबर दो, इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर यह जो है एल्युमिनियम का और बना होता है। इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्कशॉप ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता चेक करने के लिए कारीगर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्वालिटी कंट्रोल के काम में भी किया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तीसरा हमारा है मास्टर ट्राई स्क्वायर।
जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वर्कशॉप ट्राई स्क्वायर और इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर, इन दोनों ट्राई स्क्वायरों की परिशुद्धता चेक करने के लिए इस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इस ट्राई स्क्वायर की ब्लेड को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जिससे स्टेप नुमा जाब को ब्लेड की लंबाई कर्म करके परखा जा सकता है। यानी कारीगर द्वारा पहले तो वर्कशॉप ट्राई स्क्वायर और इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता है, अगर वो गलत है या सही है तो उनकी जांच करता है हमारा मास्टर ट्राई स्क्वायर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ट्राई स्क्वायर की जांच करना, हम ट्राई स्क्वायर की कैसे जांच करेंगे, सही है कि गलत है, तो इस तरीका को हम जानते हैं। कार्यशाला में एक ट्राई स्क्वायर जब ज्यादा देर तक कार्य करता है तो निश्चित ही उसके समकोण में भी अंतर आ जाता है। इसलिए ट्राई स्क्वायर को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए कि हमारा जो ट्राई स्क्वायर है सही है कि गलत है। जब तक हम ट्राई स्क्वायर की जांच नहीं करेंगे तो हम जॉब को गलत भी बना सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ट्राई स्क्वायर को कैसे जांच करेंगे, उसकी परिशुद्धता कैसे जानेंगे, तो ट्राई स्क्वायर के जांच की विधि क्या है उसको हम जानते हैं। तो सरफेस प्लेट पर एंगल प्लेट रखकर उसके साथ एक स्ट्रेट एज लंब में खड़ा करें और उसे क्लैंप करें, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा जो सरफेस प्लेट है उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रेट एज में लंब रूप में खड़ा किया गया है, स्ट्रेट एज की परख पहले भली भांति कर ले वह ठीक लंब में रूप में है कि नहीं। इसके पश्चात ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट पर खड़ा करके इसके ब्लेड को स्ट्रेट एज के साथ मिलाएं। स्ट्रेट एज तथा ट्राई स्क्वायर के ब्लेड में प्रकाश नहीं गुजरना चाहिए। इसके पश्चात दूसरी साइड को देखने के लिए ट्राई स्क्वायर को पलटकर देखें। कभी कभी ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट की दोनों साइडों के साथ समकोण पर भी रखकर देख लिया जा सकता है। इस विधि में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सरफेस प्लेट का कोण समकोण पर ही हो। चलते हैं अगली स्लाइड पर कि हम जब उपलब्ध साइज क्या होती है, जब हम बाजार में जाकर कैसे खरीदेंगे ट्राई स्क्वायर को, तो जब हम बाजार में जाएंगे तो हमको इस तरह से बोलना पड़ेगा कि ट्राई स्क्वायर बाजार में 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक मिलते हैं,
तो इसकी जो उपलब्ध साइज यही है, चलते हैं अगली स्लाइड पर, ट्राई स्क्वायर का वर्गीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का वर्गीकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर एक, लंबाई के आधार पर। नंबर दो, नाम के आधार पर। उदाहरण हमारा है 150 मिलीमीटर इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर, यानी इसमें लंबाई भी 150 मिलीमीटर आ गई और इसका नाम भी इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर है। चलते हैं अगली स्लाइड पर कि ट्राई स्क्वायर की सत्यता की जांच करना, ट्रूनेस ऑफ द ट्राई स्क्वायर। इसकी सत्यता निम्नलिखित विधियों द्वारा की जा सकती है। नंबर एक, सरफेस प्लेट मेथड। नंबर दो, मास्टर ट्राई स्क्वायर मेथड। नंबर तीन, फार रोलर मेथड। इन तीनों के माध्यम से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। हमें आशा है और विश्वास है कि हमारे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।